बोकारो की शादी में पैसा बोला तो धनबाद के बेकार बांध की शादी में खूब हुई मारपीट। बोकारो के हर्ष फायरिंग में तो मुकदमा हो गया। मंगलवार की रात बोकारो के रेतुड़ी से निकली बारात में अंधाधुन फायरिंग की गई। इसका वीडियो गुरुवार को वायरल होने के बाद सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आर्म्स एक्ट के तहत दो लोगों को आरोपी बनाया गया है। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद बोकारो एसपी ने सिटी डीएसपी से जांच रिपोर्ट मांगी। डीएसपी ने इसकी जाँच की। केएल भसीन पेट्रोल पंप व वेस्टर्न फार्म से मिली सीसीटीवी फुटेज का वायरल वीडियो से मिलान किया गया। ये वायरल वीडियो नया मोड़ का पाया गया। बारात से नया मोड़ शादी मंडप जा रही थी। बारात में शामिल कई युवक हथियार लहराकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। वर्दीधारी की भी फायरिंग किए जाने का खुलासा हुआ है। ये बारात बोकारो के किसी स्क्रैप कारोबारी की बताई जाती है। इधर धनबाद के बेकार बांध में गुरुवार की रात एक शादी समारोह में बाराती और शराती भिड़ गए। मारपीट में 3 से 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर धनबाद थाने की पुलिस पहुंची। उसके बाद मामला शांत हुआ। बेकार बांध की लड़की की शादी हीरापुर प्रोफेसर कॉलोनी के लड़के से तय हुई थी। लड़के वाले रात करीब 10 बजे बारात लेकर बेकार बांध के साई पैलेस स्थित विवाह स्थल जा रहे थे। बारात में शामिल कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। इसी दौरान शराती पक्ष के कुछ स्थानीय युवक वहां पहुंचे और बारातियों की भीड़ में घुसकर नाचने लगे। बारातियों ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्ष में कहासुनी हुई, फिर धक्का मुक्की हुई। थोड़ी देर के बाद कुछ लड़के दल बांध कर आए और बारातियों को पीटने लगे। एक कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बुजुर्ग लोगों ने मामले को सुलटाया और शादी शुरू कराई। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।